बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नेम है मिसादिया। आज मैं आपको पढ़ाऊँगी उर्दू 2 क्लास को। सब बच्चे अपनी उर्दू की बुक्स ओपन कर लें। सब बच्चों ने अपनी उर्दू की बुक्स ओपन कर ली। पेज नंबर 44। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है अच्छा सलूक। आज हमने अच्छा सलूक की रीडिंग करनी है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे खास अल्फाज। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं, अच्छा सलूक, अच्छा सलूक का मतलब क्या होता है? कि हमें दूसरों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, अच्छे तरीके से पेश आना चाहिए, बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, छोटों से शफकत से पेश आना चाहिए। ठीक है, आज हमने पढ़ना है अच्छा सलूक के बारे में। सबसे पहले लिखे हुए हैं खास अल्फाज। ठीक है, ये हमारे खास अल्फाज थे। पहला खास अल्फाज है बूढ़ी, पत्थर, तकलीफ, सलूक, तंदुरुस्त, और ये है छठा अल्फाज क्या है, तैमारदारी। ये हमारे खास अल्फाज थे। ये क्या थे? हमारे खास अल्फाज। उसके बाद नीचे से हमारी रीडिंग स्टार्ट हो रही है। यहाँ से अब आपने भी मेरे साथ रीडिंग करनी है। मेरे साथ साथ आपने भी फिंगर रख के पढ़ना है मेरे साथ साथ। एक बूढ़ी औरत मक्का में रहती थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी उसके घर के सामने से गुजरते तो वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूड़ा फेंक देती। क्या कह रहे हैं कि एक बूढ़ी औरत मक्का में रहती थी, जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के सामने से गुजरते तो वह आप पर कूड़ा फेंक देती। कभी पत्थर और कभी कांटे आपके रास्ते में बिछाती। कभी आप पर कूड़ा फेंक देती, कभी आपके रास्ते में कांटे बिछा देती। हर तरह से आपको तकलीफ़ पहुंचाती, हर तरह से आपको तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश करती थी, लेकिन आप उसे कुछ ना कहते थे। वह आप पर इतना, मतलब कि उन्हें कभी पत्थर फेंक दी थी, काफ़ी तंग करती थी, काफ़ी तकलीफ़ पहुंचाती थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कुछ नहीं कहा, उसे कुछ नहीं कहते थे। आगे, एक दिन हमारे प्यारे नबी उस रास्ते से गुजरे जहाँ से वह बूढ़ी औरत आप पर कूड़ा फेंकती थी। एक दिन आप वहाँ से गुजरे तो किसी ने उनके ऊपर कूड़ा नहीं फेंका, तो किसी ने आपके ऊपर कूड़ा नहीं फेंका। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। एक दिन हुआ कि आप पर किसी ने कूड़ा नहीं फेंका, रास्ते में कांटे नहीं बिछाए, तो दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ कि किसी ने आप सल्लम पर बूढ़ी औरत ने कुछ नहीं, मतलब कि उन्हें परेशान नहीं किया, उन्हें तकलीफ़ नहीं पहुंचाई। आपको मालूम हुआ कि कूड़ा फेंकने वाली औरत बीमार है। जब आपने पूछा कि वो औरत कहाँ है, बूढ़ी औरत किधर गई है, तो आप सल्लम के बताने पर लोगों ने, पूछने पर लोगों ने बताया कि वो औरत बीमार है। आप उसके घर गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे खाना खिलाया। आप उसके घर गए, आपने उसे खाना खिलाया। जब तक वो तंदुरुस्त नहीं हुई आप उसकी तैमारदारी के लिए जाते रहे। आप सल्लम उसके घर गए, आपने उसे खाना खिलाया, जब तक वो तंदुरुस्त नहीं हुई आप उसकी तैमारदारी के लिए जाते रहे, उसका बहुत ख्याल रखते रहे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अच्छे सलूक की वजह से वो औरत मुसलमान हो गई। आप सल्लम का इतना अच्छा देख कर सलूक के, आप सल्लम उसकी खिदमत कर रहे हैं, उसकी तैमारदारी कर रहे हैं, उसका ख्याल रख रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, तो ये सब देखकर वो औरत पहले मुसलमान नहीं थी, ये सब देखकर वो औरत मुसलमान हो गई। प्यारे बच्चों, हमारे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दुश्मनों से भी अच्छा सलूक फरमाते थे। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दुश्मनों के साथ भी अच्छा सलूक फरमाते थे। हमें दूसरों के साथ तो अच्छा सलूक करना ही चाहिए, लेकिन जो हमारे दुश्मन होते हैं, जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, हमें उनके साथ भी अच्छा सलूक करना चाहिए। इस पूरी कहानी में ये क्या था, ये कहानी एक स्टोरी थी कि एक बूढ़ी औरत मक्का में रहती थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी घर के सामने से गुजरते तो वहाँ पर कूड़ा फेंक देती। कभी पत्थर और कभी रास्ते में कांटे बिछा देती, लेकिन आपको तकलीफ़ पहुँचाती थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कुछ नहीं कहा। एक दिन ऐसा हुआ कि हमारे प्यारे नबी रास्ते से गुजर रहे थे तो किसी ने उन पर कूड़ा नहीं फेंका, उन्हें तकलीफ़ नहीं पहुंचाई। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ,
तो आपको थोड़ा ताज्जुब हुआ कि जो औरत काफ़ी सलम को तकलीफ़ पहुँचाती थी वो कहाँ गई है। आपने इधर उधर से पूछा तो आपके पूछने पर पता चला कि वो औरत बीमार है। आप उसके घर गए, आपने उसे खाना खिलाया, जब तक वो तंदुरुस्त नहीं हुई आप उनकी तीमारदारी के लिए जाते रहे, उसका बहुत ख्याल रखा। ये सब कुछ देखकर वो बूढ़ी औरत जो पहले मुसलमान नहीं थी वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि प्यारे बच्चों, हमारे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दुश्मनों के साथ भी अच्छा सलूक फरमाते थे। इस कहानी से हमें ये सबक मिला है। उसके बाद नीचे दिए हुए हैं मशक कुछ अल्फाज दिए गए हैं, ये भी पढ़ लेते हैं। बूढ़ी, ये बूढ़ी, घर, पत्थर, तकलीफ, सलूक, मक्का, औरत, कोड़ा, बीमार, खाना, इस्लाम। एक बूढ़ी औरत मक्का में रहती थी, वो आप पर कूड़ा फेंक देती, आपने उसे खाना खिलाया। ये हमारे मुश्किल अल्फाज थे। सब बच्चों को कहानी की समझ आ गई? ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, आपने अपनी होम असाइनमेंट में ये ख़ास अल्फाज लिखने हैं। इमला के तौर पर आपने लिखना है अच्छा सलूक, नीचे ख़ास अल्फाज या इमला लिख के आपने ये छः अल्फाज, सॉरी छः ही हैं जी, ये आपने अपनी होम असाइनमेंट में लिखने हैं। ख़ास अल्फाज कौन से हैं? पहला है बूढ़ी, पत्थर, तकलीफ, सलूक, तंदुरुस्त और तीमारदारी। ये आपने छः अल्फाज अपनी होम असाइनमेंट में लिखने हैं। उम्मीद करती हूँ आपको स्टोरी की अच्छे से समझ आ गई होगी और अपने होम असाइनमेंट की भी आपको समझ आ गई होगी कि आपने क्या लिखना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।